छत्तीसगढ़ के द्वितीय चरण के मतदान के लिए आज सुबह से ही जिलों के राजिम और बिंद्रानवागढ़ की पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 2640 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके अंतर्गत राजिम विधानसभा की 274 और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के 299 मतदान केंद्रों में 17 नवम्बर को 4,54,559 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, पुलिस बल की भारी व्यवस्था की गई है। विशेषकर 9 नक्सल प्रभावित इलाकों जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान किया जाना है, यहां की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अमामोर ओडम की पोलिंग पार्टी पहले से रवाना की गई है, जबकि पूर्व वर्षों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होती रही है। इतना अच्छा से व्यवस्था करे कि हम लोग कोई असुविधा नहीं होते, और पहली बार मतदान में ड्यूटी लगे हैं सर, तो उत्साह जो है इतना ज़्यादा है कि हम कब जाबो, कितना बेर मतदान कराना है, ऐसे करके हमारे मन में उत्सुकता भरे हुए हैं। बिंद्रानवागढ़ और राजिम दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। राजिम लगभग जो है प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर अलग व्यवस्था की गई है, और जो बिंद्रानवागढ़ विधानसभा है वो थोड़ा अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर अलग व्यवस्था की गई है। अब बिंद्रानवागढ़ जो विधानसभा है वो जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर हमारे द्वारा जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लगभग जो है 40 कंपनियाँ आई हुई हैं, उनकी कंपनियों का तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी रोड में अव्यवस्था न हो या मतदान केंद्र में कोई अव्यवस्था मत हो, इसका सामग्री और हमारा EVM प्राप्त करके सभी दल तैयार हैं निकलने के लिए, और जो संबंधित उनका मतदान केंद्र है वो आज दोपहर तक किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और कल एक शांतिपूर्ण और 100% मतदान की ओर हम लोग अग्रसर हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से हमारा ये निर्वाचन जाएगा।